आ दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका खुद का एक ब्रांड हो और आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने नाम से सीधा कंज्यूमर या उपभोक्ता तक लेकर जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंडिया में अगर आप कोई भी खाने पीने की चीज अपने ब्रांड में पैक करके बेचते हैं, तो जो सबसे जरूरी लाइसेंस होता है वो होता है फसाई लाइसेंस। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा आपको कि कैसे आपको फसाई लाइसेंस मिल सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं या क्या क्या पेपर वर्क है जो आपको करना है, और किस तरीके से आप पूरा कंप्लायंट हो सकते हैं और अपना प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक देखें और स्किप ना करें, क्योंकि सारी जानकारी इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो आप कहीं ना कहीं असफल हो जाएंगे फसाई लाइसेंस लेने में। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, फसाई लाइसेंस अप्लाई करने से पहले हमें एक कंपनी का स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा अपने लिए, वो चाहे प्रोपराइटरशिप हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जैसे मेरी है, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, LLP हो, FPO हो, कोई भी हो सकती है। और आपके लिए क्या सही होगा ये आपको खुद चूज करना पड़ेगा, क्योंकि सबके अलग अलग नियम हैं और अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट है, और आप एक अपने किसी भी लोकल CA से हेल्प ले सकते हैं ये जानने के लिए कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अकेले बंदे हैं और कोई आपके साथ नहीं है, आप फिर भी एक कंपनी गठित करना चाहते हैं, तो आप प्रोपराइटरशिप ले सकते हैं जो काफ़ी आसान है। जैसे ही आप इनमें से कोई एक चीज चूज करते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं GST के लिए, आपको GST नंबर मिल जाता है, और उसके बाद आप फसाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फसाई लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना। तो आगे मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन से वेबसाइट पे आपको जाना है, कौन कौन सी आपको इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं डालनी है, कहाँ डालनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट या पेपर वर्क लगेंगे आपके, कहाँ से मिलेंगे और किसका मतलब क्या है। तो आगे इस वीडियो में पूरा मैं स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा, एक एक चीज दिखाऊंगा, तो प्लीज बने रहे मेरे साथ, आइए चलते हैं। सबसे पहले आप फसाई की वेबसाइट खोलेंगे जो ऐसी सी दिखेगी आपको। यहां तक पहुंचने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा foscos.fasai.gov.in। यहाँ पे आप बीच में देखेंगे क्लिक हेयर फॉर फॉस्कॉस, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक दूसरी विंडो मिलेगी जो इस तरीके की होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर सीधे हाथ पे ब्लू कलर में लिखा होगा लॉग इन बिजनेस एंड लॉग इन अथॉरिटी। तो हमें क्लिक करना है लॉग इन बिजनेस पे। अब जैसे ही आप करेंगे तो आपको एक तीसरी विंडो दिखेगी जो वहाँ पे आपका यूज़र नेम पासवर्ड मांग रही होगी लेफ्ट हैंड साइड पे। ये उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी यूज़र नेम बनाया हुआ है, जिन्होंने साइन अप किया हुआ है। जो फर्स्ट टाइम यूज़र है उनको साइन अप करना पड़ेगा, पहली बार जो आ रहे हैं। और साइन अप करने के लिए नीचे रेड कलर में एक हाइपरलिंक होगा जिसको आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आपको एक और विंडो दिखेगी जिसमें आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना लॉगिन आईडी चूज करना पड़ेगा कोई भी, और उसके बाद पासवर्ड डालना पड़ेगा, कंफर्म पासवर्ड करना पड़ेगा, और नीचे जो ये वर्ड्स और डिजिट्स दिए हुए हैं इनको डाल के एंटर करना पड़ेगा। एक बार जब आप साइन अप कर लेते हैं तो आपको फिर लॉगिन करना पड़ेगा जिसमें आपको यूजर नेम डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे ही आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं आपको एक विंडो दिखाई देती है जिस पे लिखा होगा डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है लाइसेंस रजिस्ट्रेशन वाले टैब पे, उल्टे हाथ पे जो पहला है उस पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लाइसेंस वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे।
इसको क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा स्टेट, जिस भी स्टेट में आप हैं, जैसे हम यूपी में हैं तो मैं यूपी सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। और नेक्स्ट स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे ऊपर। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि हम हैं, हम खुद ही उगाते हैं, खुद भी प्रोसेस करते हैं और खुद ही आगे रिटेल करते हैं, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लूँगा। अगर मैं ट्रेडर हूँ या रिटेलर हूँ तो मैं ट्रेडिंग वाला लाइसेंस लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपोर्टर हूँ तो मैं एक्सपोर्टर का लाइसेंस लूँगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं सारे तो नहीं दिखाऊँगा लेकिन दो ऑप्शन दिखाऊँगा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। या तो हम खुद ही मैन्युफैक्चरर होते हैं, जिसका मतलब है खुद ही उगा रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं पैक करके अपने ब्रांड में, या हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या रिटेलिंग कर रहे हैं जिसमें हम किसी और का सामान, कोई और है मैन्युफैक्चरर, कोई और है प्रोड्यूस करने वाला, लेकिन हम अपने ब्रांड में उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं और मार्केट कर रहे हैं। तो मैं पहले एक मार्केटर वाला दिखाऊंगा और एक फिर मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग वाला दिखाऊंगा। तो अगर मैं मार्केटर पर क्लिक करता हूं तो आप वहां पर देखेंगे तीन, एक होगा 20 करोड़ से ज़्यादा मेरा अगर एनुअल है, 20 करोड़ से कम है या 12 लाख से कम है, जो भी इन तीनों में मेरे को सूट करता है मैं उसको क्लिक करूंगा और मैं नेक्स्ट दबा दूंगा। जैसे ही आप नेक्स्ट दबाएंगे तो आपसे वो कंफर्म करने के लिए बोलेगा, एक विंडो दिखाएगा कि क्या ये सही है एंड आगे बढ़ें, तो वो आगे बढ़ने के लिए आप क्लिक करेंगे तो आपको एक और विंडो दिखाई देगी जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपके प्रोपराइटरशिप या जो भी आपका कंपनी का नाम है उसका नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, इस तरीके की आप चीज़ें डालेंगे। और दो तरीके के डॉक्यूमेंट इसमें मांगते हैं, एक तो फोटो, फोटोग्राफ, जो भी मैन्युफैक्चर, जो भी प्रोपराइटर है या अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ऑनेटरी जो है उसका फोटो और उसका आधार कार्ड, जो फोटो आईडी कार्ड है, तो वो आप डाल देंगे, दोनों अपलोड कर देंगे। और उसके बाद तीसरा आपको एक और डॉक्यूमेंट डालना पड़ सकता है जो कि रेंट अग्रीमेंट हो सकता है या प्रूफ हो सकता है उस जगह का जिस जगह आप वो फसाई का लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई फार्म है जहाँ पे मैं जहाँ से मैं चलाना चाहता हूँ अपना बिजनेस, तो क्या वो मेरे नाम है, उस कंपनी के नाम है, तो एक रेंट एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। तो वो रेंट एग्रीमेंट आप अपलोड कीजिए और उसके बाद आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको एक साल का ही लाइसेंस मिलेगा, तो ड्यूरेशन लाइसेंस की 5 साल तक की होती है, तो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सिर्फ एक साल ही सेलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम या जो एग्जिस्टिंग यूज़र होता है जब रिन्यू कराता है तो 5 साल तक के लिए रिन्यू आप कर सकते हैं। इसके बाद है नेम ऑफ फूड कैटेगरी जो आपको चूज़ करना है, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ है तो आप कैटेगरी नंबर 12 चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उसके बाद तीन सवाल और बचेंगे नीचे, पहला है कि इंटेंडेड डेट क्या है, मतलब कब आप शुरू करना चाहते हैं काम, तो आप एकदम आज ही की डेट डाल दें जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और दूसरा सवाल है कि जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपका है, अपना, प्राइवेट है या पब्लिक है, तो आप प्राइवेट चूज़ कर सकते हैं, पब्लिक जैसे भी आपको जो भी एलिजिबल हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड है कि क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी या बिजली यूज़ हो रही है मैन्युफैक्चरिंग करने में। मेरा मानना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहे इस वाले रजिस्ट्रेशन में, तो आप इसे नो कर सकते हैं, अगर यस करेंगे तो उसकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। इसके बाद आप पेमेंट करेंगे, 100 रुपये का पेमेंट करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये अथॉरिटीज़ के पास पहुंच जाएगा ऑनलाइन, और अगर सब कुछ सही होगा तो वो आपका रजिस्ट्रेशन 1 महीने के अंदर अंदर दे देंगे। यूजुअली 2-3 हफ्ते में ही हो जाता है, 1 हफ्ते में भी हो जाता है कई बारी। और अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, उनको कोई डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, तो वो आपसे वापस सवाल कर सकते हैं, जो आपके पास ऑनलाइन आ जाएगा, आपके ईमेल पे आ जाएगा जो आपने ईमेल डाली है, और मोबाइल पे भी आ जाएगा आपको, और ऑनलाइन ही आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा। तो ये तो हुआ आपका मार्केटर का या ट्रेडिंग का, अगर आपको फसाई लाइसेंस इशू कराना है।
लेकिन अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लेना है, उसका प्रोसेस अलग है, तो हम वापस मेन पेज में जाएंगे और अब ऊपर वाले टैब में से मैन्युफैक्चरर का, प्रोड्यूसर का, जनरल मैन्युफैक्चरिंग वाला टैब दबाएंगे। नीचे तीन ऑप्शन आएंगे कि आपका जो प्रोडक्शन है डेली बेसिस पे 2 MT मेगाटन से ऊपर है, नीचे है, 12 लाख है। इन तीनों ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको सूट करता है और जो जिसका एलिजिबल हो आप वो सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप स्टेट सेलेक्ट किया था वो दोबारा करेंगे। अब आता है इसका मेन पेज। इसमें 5 सेक्शन हैं जो हमें भरने हैं। उन 5 सेक्शन में पहला सेक्शन है प्रमाइस का डिटेल, मतलब जिस जगह के लिए आप फसाई यूनिट का लाइसेंस मांग रहे हैं वो, उसकी डिटेल। दूसरा है आपका प्रोडक्ट डिटेल्स, इसका मतलब है कि कौन कौन से प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसकी पूरी डिटेल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ पे आपके सारे कम्युनिकेशन आएंगे, इन सब की डिटेल। चौथा है आपका डॉक्यूमेंट्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो बहुत केयरफुली इसको आप देखें जब मैं इसके बारे में डिस्कस करूं। और पांचवा है पेमेंट, तो पेमेंट इसका 5,000 है साल का, 1 साल का। पहली बार कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 1 साल का ही मिलेगा, जब रिन्यू कराएंगे तो आप 5 साल का तक का एक बार में पे कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन चलते हैं। पहला है कम्युनिकेशन एड्रेस, सॉरी प्रमाइस का डिटेल्स, जिसमें आप जहां जो जिस जगह का फसाई आप ले रहे हैं उस जगह की पूरी डिटेल आपको डालनी है। सिंपल है, आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी आराम से हो जाता है ये। इसके बाद जब आप भर लेंगे तो नेक्स्ट 7 नेक्स्ट करेंगे तो ये दूसरा आ जाएगा प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4-5 चीजें आपको भरनी पड़ेगी। इसमें आपका प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट का नाम, काइंड ऑफ बिजनेस, काइंड ऑफ बिजनेस में 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे। इसमें या तो आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हो कि आप खुद ही आप बना रहे हो, या आप रीपैकर हो सकते हो, यानी कि किसी से लेके आप अपने उसमें दोबारा पैक करके अपने उसमें ब्रांड में दे रहे हो, या रीलेबलर हो। रीलेबलर का मतलब है कि किसी और का लेबल हटा के आपने अपना लेबल लगाया है। तो जो भी इसमें आप फिट होते हैं, जो भी कैटेगरी, वो आप सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं हनी ले रहा हूँ तो आप पहला होगा फूड कैटेगरी, दूसरा होगा सब कैटेगरी, तीसरा हनी, उसके बाद मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैन्युफैक्चरर, और सेव एंड नेक्स्ट, ऐसे करके एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट इसमें ऐड करूंगा। ये पूरी लिस्ट है, इसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं जो भी आ सकते हैं, और आपको वो सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे जो आप करना चाहते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक करके सारे प्रोडक्ट समझें और उनको चूज करें और ऐड करके आगे बढ़ें। नेक्स्ट होता है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की डिटेल, वो सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, कौन सी जगह है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और वहाँ पे एक टेक्निकल बंदा होना चाहिए। टेक्निकल बंदे से मतलब है कि फूड प्रोसेसिंग की उसको नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद डिग्री एंड डिप्लोमा होना चाहिए उस यूनिट का, तो उसकी पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी, उसकी आईडी डालनी पड़ेगी, क्या उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ये सब डालना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आप डालोगे, डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करोगे, तो आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, और इसको जरा ध्यान से देखें क्योंकि अगर ये आपने ढंग से अपलोड नहीं किया तो शायद आपको लाइसेंस नहीं इशू होगा। तो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके ये सारे डॉक्यूमेंट। पहला डॉक्यूमेंट है आपका ब्लूप्रिंट और लेआउट, जिस भी जगह आप प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट बनाने का सॉफ्टवेयर भी आते हैं, और नहीं तो आप कोई प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं, किसी से बनवा सकते हैं। ये बेसिकली एक लेआउट बनेगा कि आपका पूरा जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें कौन सी चीज़ कहाँ है, यानी कि पैकेजिंग यूनिट कहाँ है, मशीन वाला सेक्शन कहाँ है, ये पूरा एक पूरा ब्लूप्रिंट बनेगा, तो वो आपको अपलोड करना है। दूसरा है जो भी आपकी कंपनी बनी है, चाहे वो प्रोपराइटरशिप है, पब्लिक लिमिटेड है, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनके डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, उनके नाम, पता, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें। तीसरा है कि आपके प्रोसेसिंग यूनिट में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो पैकेजिंग यूनिट हो, वो पैकेजिंग मशीन हो,
चाहे वो तेल निकालने की मशीन है, कोई भी मशीन या इक्विपमेंट है, उनके नाम क्या हैं, उनका मशीन का नंबर क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, हॉर्स पावर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। एक हो सकती है, दो हो सकती है, दस हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जितनी भी मशीन्स हैं उनका डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। चौथा है कि जो भी आपकी वो यूनिट है जिसमें उसमें जो भी पानी इस्तेमाल हो रहा है प्रोसेसिंग में, उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट जाएगी कि वो पीने लायक है कि नहीं है, ख़राब तो नहीं है। और ये रिपोर्ट किसी भी NABL अप्रूव्ड लैब से ही आएगी। आप किसी भी लैब में चले जाइए, वहाँ पे आपको ये रिपोर्ट बन जाएगी। कुछ पैसे लेते हैं ये, 3 से 5 हज़ार रुपये, और आपको ये पूरी रिपोर्ट दे देंगे। कम से कम 1 लीटर आपको पानी इनको देना पड़ेगा वहाँ पे टेस्टिंग के लिए। फिर पांचवे नंबर पे आता है कि जो भी आपका ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का मतलब है फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसमें 10 डायरेक्टर हैं, लेकिन एक डायरेक्टर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो GST वगैरह भरे, बाकी सारी चीज़ें देखे, जिसका साइन ऑथराइज्ड माने जाएंगे हर पेपर पे कंपनी के द्वारा इशू करे हुए, उसकी आपको फोटो ID और एड्रेस प्रूफ अपलोड करने पड़ेंगे। छठा आता है कि जिस भी जगह आप वो प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं, वो जगह उस कंपनी की है या नहीं, इसको प्रूव करने के लिए आपको वहाँ का रेंट एग्रीमेंट, अगर वो आपके नाम है तो उसका एक डॉक्यूमेंट, अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है तो रेंट एग्रीमेंट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेंट एग्रीमेंट आपको बनवाना पड़ेगा। सातवां है कि जो आपका कंपनी बनी है, चाहे वो प्रोपराइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट भी बनते हैं, जैसे MOA हो गया, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, और जो है पार्टनरशिप डीड बनती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तब बनते हैं जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करा रहे हो। तो ये आसान है, ये बने हुए होते हैं सबके, जिसने भी कंपनी बनाई है, एक वो अपलोड करना पड़ता है। तो ये 7 जो हैं हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, 3 और बचे हैं, जिनमें से पहला है फॉर्म 9। फॉर्म 9 ये देखिए ऐसा सा दिखता है, इसमें जो आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसके साइन लग के ये पूरे डॉक्यूमेंट भर के इनकी डिटेल आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फिर आता है 9वां, जो है रिकॉल प्लान। रिकॉल प्लान का मतलब है, और देखिए इसके आगे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जब आप प्लान सबमिट करेंगे तो आपको अपने कंपनी के लेटर हेड पे ये छाप के अपलोड करना पड़ेगा। रिकॉल प्लान का मतलब है कि मान लो कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया और वो मार्केट में चला गया, मैं चिप्स बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, और वो चिप्स बना के मैंने मार्केट में बेचने शुरू कर दिए, लेकिन पता चला वो चिप्स ख़राब हो रहे हैं एक्सपायरी से पहले ही, या कुछ गड़बड़ है उनमें, तो कैसे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बिना हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके इम्पैक्ट के वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो मार्केट में हैं हम वापस ले आएं और उनको आगे के लिए ठीक कर दें। तो ये होता है रिकॉल प्लान। 10वां होता है प्रोडक्शन यूनिट फोटोग्राफ। जो आपकी यूनिट है वो जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है उसकी फोटोग्राफ, ये 10 डॉक्यूमेंट हैं। अगर ये 10 डॉक्यूमेंट आपने ढंग से अपलोड कर दिए और उसमें वैसे ही किया जैसा ये अथॉरिटी मांगती है, तो आपका लाइसेंस फर्स्ट टाइम ही अप्रूव हो जाता है, वहाँ से कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आती। तो ये वाला जो सेक्शन है, बड़े धीरे आराम से पढ़ के और बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक हो ये सुनिश्चित करके ही अपलोड करें। जब ये सारे डॉक्यूमेंट 10 के 10 आप अपलोड कर देंगे तो सेव एंड नेक्स्ट करके आप फाइनल स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे, जो है पेमेंट स्क्रीन। इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा 1 साल से लेके 5 साल तक, कितने साल के लिए आप लेना चाहते हैं। पहली बार अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं तो सिर्फ 1 साल तक ही, 1 साल का ही ले पाएंगे, और 1 साल की फीस है 5,000 रुपये, जो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह वगैरह। और इसके बाद ये आपका सबमिट हो जाएगा और अथॉरिटीज़ के पास पहुंच जाएगा ये,
और अगर सब कुछ सही रहा तो महीने भर के अंदर अंदर आपको लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले बताया कि अगर अथॉरिटी को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वो आपको ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपको बताएंगे और आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा उसको ठीक करने के लिए। अगर वो 30 दिन तक आप उनको रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपका वो कैंसिल मान लिया जाएगा। यहाँ पे एक और चीज है जो मुझे बता देनी चाहिए, वो ये है कि एक साल का जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो ये बहुत जरूरी है कि लाइसेंस खत्म होने के 3 महीने पहले ही आप रिन्यूअल के लिए डाल दें एप्लीकेशन, क्योंकि 3 महीने पहले विंडो खुल जाती है रिन्यूअल की। और मान लो अगर 3 महीने पहले आप नहीं करवाते तो 1 महीने पहले तो जरूर करा ले खत्म होने से, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको लेट फी लगेगी। और एक बार अगर ये अवधि खत्म हो गई, ड्यूरेशन 1 साल की खत्म हो गई, आप भूल गए उसको रिन्यू कराना, तो वो कैंसिल हो जाएगा, आपको नए सिरे से फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आप वापस डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको एक टैब मिल जाएगा, जिस टैब में आपको ये दिख जाएगा कि आपने सबमिट कर दिया है और वो अथॉरिटी के पास पड़ा हुआ है। अगर कोई वो क्लेरिफिकेशन मांगेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस सेक्शन में, वो आप देख पाएंगे। और फाइनली जब आपका लाइसेंस मिल जाएगा तो वो लाइसेंस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि फसाई से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है या आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों मैं ये भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मेरे दोस्त इस इन्फॉर्मेशन का लाभ उठाएं, क्योंकि हम में से कई लोग अपना सामान सीधा उपभोक्ता तक लेके जाना चाहते हैं, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन के अभाव में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, YouTube के थ्रू हो या आपका Facebook के ग्रुप्स हो, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों की हेल्प कर सकता है। जाने से पहले मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना प्यार और सपोर्ट आपने मुझे दिया इस चैनल को आगे बढ़ाने में। मैं कोशिश करता रहूँगा इसी तरीके के लाभदायक वीडियो आपके लिए लाता रहूँ और आप सबका सपोर्ट और प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। तो मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।